प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे, क्योंकि बच्चे आपके जो है एक तारीख से कक्षा बारहवीं की जो वार्षिक परीक्षा है बच्चे, वो स्टार्ट होने वाली है, शुरू होने वाली है। तो बेटा आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है जो प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। अगर बच्चा जो बच्चा स्टार्ट नहीं किया होगा तो बेटा वो थोड़ा सा अभी एंग्जाइटी में होगा, थोड़ा सा दुख में होगा कि सर हम कब स्टार्ट करेंगे, हमसे ऐसे कौन से टॉपिक करें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, जो हम इसको पढ़ के अपना जो है पासिंग मार्क ले पाए। तो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, आपको पासिंग मार्क में ही नहीं बच्चे, आपको जो है अच्छे अंक लेके आने हैं एग्जाम्स के अंदर। तो उसी अच्छे अंक के दिलाने के लिए बेटा टीम अभिषेक लेके आई है। जैसा कि आप जान रहे होंगे तो टीम अभिषेक बेटा एक एग्जाम सीरीज लेके आई। इस एग्जाम सीरीज के अंदर बेटा हम लोग आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके लिए आपके बोर्ड में आए हैं और बेटा वो आने वाले होंगे। तो ऐसे एग्जाम्पल ऐसे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन कर रहे होंगे, इसको कराने वाले कौन कौन से हैं सर, इनको हमको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, तो इनका हमको बच्चे तो बच्चे यहाँ पे हम एग्जाम सीरीज तो लेके आए हैं, तो इसके अंदर बेटे हमारे टीम अभिषेक जो एक्सपर्ट फैकल्टीज है ऑफलाइन के, वो बेटा पहली बार YouTube में फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए बच्चा ऑनलाइन आए हैं, YouTube के अंदर आए हैं। तो बेटा हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी यहां पे आपको दिख रहे होंगे, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के सब्जेक्ट को हैंडल कर रहे होंगे। उसी प्रकार बच्चे मैं यहां पे कक्षा 12वीं का जो रसायन विज्ञान है मैं उसको यहाँ पे हैंडल कर रहा हूँ। तो रसायन विज्ञान बेटा केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में पूरा का पूरा आपको मक्खन कराने वाला हूँ, जबरदस्त तरीके से कराने वाला हूँ, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ ही साथ आपके कंसेप्ट को भी क्लियर करते हुए चलूंगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चे हम यहाँ पे केमिस्ट्री करने वाले। तो केमिस्ट्री के सबसे पहले मैं आपको बेटा हम लोग यहाँ पे ब्लू प्रिंट बात की, तो ब्लू प्रिंट में मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। उसके बाद बेटा मैंने रणनीति स्ट्रेटजी के बारे में वीडियो बनाया हुआ, तो वो वीडियो अगर जो बच्चा नहीं देखा हो तो वापस से बच्चे वो क्या कर ले उसको जाके देख लीजिएगा, तब चीजें आपको समझ आएगी हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे। ठीक है बच्चे, तब मैं पहली बात बोल दूं तो बेटा हम लोग चैप्टर नंबर एक जो हमारा हलवा चैप्टर है, मैं क्या नाम दिया था बेटा हलवा चैप्टर, इस हलवे चैप्टर को अपन स्टार्ट करने वाले हैं। जो चैप्टर नंबर एक है बेटा आप लोग का, इसको स्टार्ट करने का एक पीछे का रीजन है बच्चे कि आप लोगों ने इस चैप्टर को, ठीक है, चैप्टर नंबर एक जो ठोस अवस्था है उस चैप्टर को बच्चे आप लोगों ने जो है एग्जाम्स के अंदर बहुत ही बार पढ़ा होगा। एग्जाम्स के अंदर मतलब त्रैमासिक एग्जाम के अंदर, अर्धवार्षिक एग्जाम के अंदर, तो इन एग्जामों में बच्चे आप लोगों ने ये बार बार पढ़ा। तो हमको ये करने बेटा, हमको रणभूमि में जाना है अगर युद्ध करने, तो अपन की जो शक्ति रहेगी उसी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेटा हम लोग जो हमारी जो शक्ति है चैप्टर नंबर एक उसी को और स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे। तो अपन जो सबसे पहले बात करेंगे बच्चे ठोस अवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर एक है। अब इस चैप्टर नंबर एक में हमको क्या सर सारे जो टॉपिक कवर होंगे, तो नहीं बच्चे, ये एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी होगी। एग्जाम ओरिएंटेड क्या होगी, तैयारी होगी, क्योंकि इसमें क्या बच्चे हम सारे चीजें कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर जिन बच्चों को एकदम डिटेल में, ठीक है, फिलहाल अभी जो ट्वेल्थ के बच्चे होंगे वो फिलहाल अभी एकदम डिटेल में करने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो आप लोग सिर्फ क्या कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिए और कॉन्सेप्ट के हिसाब से भैया हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा तो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक हम कवर कर रहे होंगे, तो सबसे पहले बच्चे अपन ठोस अवस्था की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, जो बेसिक्स है, वो हम कवर कर रहे होंगे। बेटा अगर एग्जाम्स के अंदर आपको अच्छे अंक लाने होंगे, ठीक है, तो आपके बेसिक जो है स्ट्रांग होने चाहिए। क्या होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आपके नंबर अच्छे आएंगे भैया। ठीक है, समझ आई सारी बातें। अगर एक एग्जांपल दूं, अगर आपको फल अच्छे चाहिए होते हैं, क्या बेटा, अगर आपको फल अमरूद के फल आम के फल अगर अच्छे चाहिए होते तो आप क्या करते हो, पेड़ में जो पत्तियों में पानी डालते हो, क्या पेड़ के जल में पानी, जड़ में पानी देते हो, किसमें, रूट में, ठीक है, जड़ में पानी, तो वो क्या होता है, फलता है, हमको मीठा फल देता है। उसी प्रकार बच्चे अगर हमको एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छे अंक लाने होंगे तो हमको क्या करना होगा, अपने कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना होगा, हमारे क्या बेटा जो बेसिक है उसके ऊपर ध्यान देना। तो सबसे पहले मैं बेसिक कवर करूंगा बच्चे चैप्टर नंबर एक के अंदर। ठीक है, पहला जो लेक्चर होगा वो पूरे बेसिक के ऊपर ही होगा। अगर बच्चे को बोर लगेगा, ठीक है, अगर बच्चे बोरेंगे तो आगे बढ़ सकते हो, दिक्कत की बात नहीं। अगर जो बच्चे इंटरेस्टिंग तरीके से मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो वो कृपया क्या करेंगे, अपनी वीडियो में बने रहिएगा। और ये वीडियो बच्चे अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली तक, ठीक है, जो कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं होंगे वहां तक फैलाइए, क्योंकि बच्चे ये जो है आपकी जो है एक एक कमेंट, आपका शेयर, आपका जो बेटा मोटिवेट, आपका जो लाइक रहेगी वो हमको मोटिवेट करता है। क्या करता है बेटा, मोटिवेट करता है कि हम इस एग्जाम सीरीज को और करें कि नहीं करें, हम अपना वीडियोज लाएं कि नहीं लाएं। ठीक है बच्चे, तो आप क्या कीजिएगा, आप जो है नए हो इस चैनल में तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। आप क्या कीजिएगा बच्चे, आप जो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। और बच्चे आप कभी भूलिएगा मत, आपको जिस चीज में परेशानी होगी, दिक्कत आ रही होगी, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको जिस टॉपिक में जो है लेक्चर चाहिए तो हम वो टॉपिक आपको यहाँ पे कवर कराएंगे, प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे मैं पहले से वापस बात करता हूं, तो हम ठोस अवस्था कर रहे होंगे बच्चे, क्या ठोस अवस्था कर रहे होंगे। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा जो टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक है क्रिस्टल जलक इकाई कोष्ठिका, ये कर रहे होंगे। उसके बाद बच्चे जो एससीसी बीसीसी और एफसीसी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर टॉपिक जो है कर रहे होंगे। ठीक है, मैं चैप्टर्स के अंदर स्टार्ट टॉपिक भी बताऊंगा, जो टॉपिक आप नहीं छोड़ोगे कभी भी,
जो एग्जाम्स के अंदर आ रहे होंगे, ऐसे टॉपिक के बारे में भी बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है बच्चे, अब देखो अगर ये जो तीन टॉपिक अगर आप कर लिए, ठीक है, अगर ये तीन टॉपिक अपन कर लिए, ठीक है, कौन सा एससीसी बीसीसी एफसीसी स्ट्रक्चर, चतुष्फल की रिक्तियां और अष्टफल की रिक्तियां, साथ ही साथ फ्रैंकल त्रुटि और शॉर्ट की त्रुटि, ये तो तीन टॉपिक है बेटा, ये आप कर लिए एकदम मक्खन कर देंगे। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा एकदम मक्खन होकर, कोई दिक्कत की बात नहीं, सारी चीजें आपको समझ आएगी। ठीक है, ध्यान समझना, जो ये तीन टॉपिक अगर आप कर लिए तो आपके चार नंबर कहीं नहीं गए बच्चे, क्या होगा, चार नंबर कहीं नहीं गया। हमको पता है जैसे कि हमको जो इस चैप्टर के अंदर चार अंक आ रहे होंगे, ठीक है, चार नंबर आएंगे, चार नंबर का होता है बेटा चैप्टर, इस चैप्टर से, ठीक है, तो चैप्टर में चार जो तीन टॉपिक ये चार नंबर देने की शक्ति रखता है। ठीक है, सारे बच्चों को क्लियर है, तो ये बातें आप लोग क्लियर कीजिएगा बच्चे। उसके बाद मैं बेटा आपको एन प्रकार और पी प्रकार अर्धचालक बताऊंगा, और उसके बाद जो लास्ट का एक छोटा सा टॉपिक रहता है चुंबकीय गुण, उसको भी मैं कवर कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस तरीके से बच्चे हम पूरा चैप्टर नंबर एक कवर करेंगे, ये आपका जो सिक्वेंस रहने वाला इस टॉपिक में कवर करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी सारे बच्चों को। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने जो अभी तक लाइक कर दिया होगा वीडियो को। ठीक है बच्चे, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चे, अपन जो बचपन की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि बचपन में अपन क्या पढ़े। तो बचपन में आप लोगों ने बच्चे, बचपन मतलब एकदम छोटे से बच्चे की बात नहीं कर रहा भैया, आप जब कक्षा आठवीं में होंगे, कक्षा दसवीं में होंगे, तो उस दसवीं आठवीं में आपने पदार्थ के बारे में पढ़ा होगा। पदार्थ क्या होता है सर? तो पदार्थ वही होता है ना सर, जिसमें कुछ वजन सा होता है, जिसमें कुछ वजन सा होता है, कुछ बेटा उसमें भार होगा, ठीक है, कुछ जगह घेरेगा, तो वही तो पदार्थ है भैया। सिंपल सा एग्जांपल, कुछ करना रखता नहीं मानना अपन को, एक ऐसी वस्तु, ऐसी चीज जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, दुनिया में हर एक चीज हो सकती बेटा, हर एक चीज पदार्थ है। डेफिनेशन ध्यान से सुनना, हर वह वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है या फिर वह जो स्पेस घेरता हो। एग्जाम्पल के लिए बता दो बेटा, ये जो एक पेन है मेरे पास, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, भार होगा, ठीक है, भार होगा, एक कुछ ना कुछ जगह घेरेगा, किसी कहीं पर रखूंगा तो ये मेरा क्या होगा, पदार्थ बन गया। अब ये पदार्थ किससे मिलकर बना सर? एकदम बचपन की बातें हैं। तो बेटा पदार्थ जो होता है वो तीन अवयवी कणों से मिलकर बनता है, अणु परमाणु और आयंस, जो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, अणु परमाणु आयंस। अब अणु परमाणु आयंस के बारे में मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर है। अब देखो बेटे, ये जो अणु परमाणु आयन की बात हुई, लेकिन इसके बाद आपको मैं पदार्थ के प्रकार की बात करूं, टाइप की प्रकार की बात करूंगे, ठीक है, तो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। प्लाज्मा की मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि हम प्लाज्मा पढ़ने वाले नहीं है। मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, वो तीन प्रकार में ठोस, द्रव और गैस है। क्या बेटा? ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस, द्रव, गैस, हमारे चैप्टर का नाम क्या है बच्चे? हमारा चैप्टर का जो नाम है वो क्या होने वाला है? ठोस होने वाला। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? ठोस के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। क्लियर है सारे बच्चों को? क्लियर होगी, जबरदस्त तरीके से क्लियर होगा, मैं बात उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो द्रव के बारे में हम कहां पर पढ़ेंगे? द्रव के बारे में बेटा हम चैप्टर नंबर टू के अंदर पढ़ रहे होंगे, जिसका नाम है बेटा विलयन। क्लियर है सारे बच्चों को? एकदम सीक्वेंस में बच्चे आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में, ध्यान से समझना। ठीक है, ये जो ठोस के बारे में अपन यहां पे इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे होंगे, और ठोस के जो दो तरीके होते हैं बेटा क्लासिफाइड करने के, ठीक है, दो तरीके होते हैं। मैं पहला जो तरीके की बात करूंगा बेटा, ज्यामिति के हिसाब से, किसके? ज्यामिति स्ट्रक्चर के हिसाब से, ज्यामिति के हिसाब से अपन इसको दो तरीकों में बांट सकते हैं। वो कौन कौन से तरीके बेटा? पहला जो तरीका है वो है क्रिस्टली ठोस, और दूसरा जो तरीका है बेटा अक्रिस्टली ठोस। तो इसके अंतर के ऊपर मैं बात करता हूं, आखिर क्रिस्टली ठोस क्या चीज होती है, क्रिस्टली ठोस क्या चीज होती है। सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना बच्चे, जो क्रिस्टली ठोस आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है, आपको एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आ जाएगा, मजा आ जाएगा करने में। ठीक है, ध्यान से समझना, क्रिस्टली ठोस किससे बनेगा? ठोस किससे बनता है भैया? ठोस बनेगा अवयवी कणों से। अवयवी कण कौन कौन से हो सकते हैं सर? अवयवी कण जो है ना सर, एग्जाम आने चाहिए बच्चे, ठीक है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं ऑफलाइन में, अपन जब क्लासेस लेते हैं तो वहां से जो रिवर्ट आता है, आंसर आता है, उसी प्रकार से बच्चे अगर मैं यहां पर जो है ऑनलाइन माध्यम पर आपको कोई क्वेश्चन करूं तो आपके अंदर से वो जो है आंसर आनी चाहिए। ठीक है, भले आप कहीं पे हो बेटा कोई मैटर नहीं करता, आपके अंदर से आंसर आना चाहिए, आप इतने जो है मगन हो जाइए पढ़ाई में। ठीक है बच्चे, ध्यान सुनेगा, जो क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस है ना सर, क्या होता है उसमें जो अवयवी कण है, अणु परमाणु आयन है, वो क्या होते हैं? स्ट्रक्चर में होते हैं। क्या होते हैं बेटा? स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। ये बात तो क्लियर है, सारे बच्चों को क्लियर होगी। अब देखिए बताइए, ध्यान सुनना, ठीक है, अगर मैं क्रिस्टली ठोस की मैं अगर बात किया तो इसमें जो आपको एक गोला दिख रहा होगा, बच्चे को मैं ऑब्जर्व कराया तो यहां पे क्या बेटा एक गोला दिख रहा होगा। एक गोले देखने से क्या मिलता है? गोले से क्या मिलेगा बेटा? एक गोले के बाद हमको एक क्रॉस, फिर गोला आया, फिर क्रॉस, फिर गोला आया, फिर क्रॉस। अगर मैं इसको ऊपर से नीचे देखूं, ऊपर से नीचे देखूं, तो ऊपर से नीचे देखने के बाद मेरे को एक गोले के बाद एक क्रॉस, एक गोले के बाद एक क्रॉस, मतलब हमको यह समझ आ गया सर कि एक गोले के बाद एक क्रॉस आएगा ही। ठीक है, मैं अवयवी कण की बात किया, आपको समझ आना चाहिए, मैं इस समझने के लेवल पर बात कर रहा हूं बेटा। ठीक है, ऐसा आप कहीं मत बोल देना कि भैया क्रिस्टली ठोस में एक गोले के बाद एक क्रॉस होता है, आपको ऐसी जो कोई अभी कुछ भी बना के चला जाएगा। ठीक है, समझ आई? तो ऐसा नहीं बोलना। ठीक है, मैं आपको इस जो है एक्सप्लेनेशन के हिसाब से बता रहा हूं कि ऐसे आप मान लो कि ये हमारे अवयवी कण है, इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। क्लियर है सारे बच्चों को? समझ आया, मजा आया? अब ध्यान से सुनना बच्चे, ठीक है, क्रिस्टली ठोस की बात किया, मतलब हमको ये समझ आ गया सर कि एक गोले के बाद जो है एक जो है क्रॉस आ रहा है, मतलब इसकी जो है
अरेंजमेंट है, व्यवस्थता है, ठीक है, वो क्या होगी, निश्चित है, एक गोले के बाद एक क्रॉस, एक गोले के बाद एक क्रॉस, मतलब निश्चित व्यवस्था है। लेकिन अगर मैं भैया जो क्रिस्टली अक्रिस्टली ठोस की बात करूं, अक्रिस्टली ठोस की मैं बात करूं, तो यहां पे एक जो है क्रॉस के बाद बेटा एक क्रॉस, उसके बाद गोला, फिर क्रॉस, उसके बाद फिर गोला आ थी, लेकिन वहां पे फिर से क्रॉस आ गया, उसके बाद एक दो गोले फिर वापस आ गए। मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहां पे जो अव्यवीकरण है बेटा वो क्या अल्टरसेंट कुछ भी रखे हुए हैं, कहीं भी फैले हुए हैं, क्लियर है, कहीं भी फैले हुए हैं। एग्जांपल बता दूंगा आपको, मजा आ जाएगा एग्जांपल सुनकर, देखिए ध्यान से देना, ठीक है। अगर आप अगर आप जो है बेटा प्रेयर में खड़े हो, असेंबली में खड़े होगे, ठीक है, जहां पे जाने का नाम आने चलता है स्कूल में, तो वो असेंबली क्या होती है, एक सीक्वेंस में अरेंज होती है। लेकिन आप कभी लंच करने गए, ठीक है, लंच करने गए, मतलब जो ब्रेक होता है बेटा शॉर्ट ब्रेक, ठीक है, वहां पे लंच करने गए, तो वहां पे बच्चे कैसे खाना बैठते हैं, कोई बच्चे ग्रुप जो है कहीं पे घूम रहा होता है, कोई बच्चे का जो ग्रुप रहता है वो कहीं पे बैठा होता है, तो वो अंटसंट कुछ भी बैठा रहता है, तो वो कौन सा ठोस होगा, अक्रिस्टली ठोस, और जिसमें सिक्वेंस होता है वो हमारा क्या होगा बेटा, क्रिस्टली ठोस होगा। समझ आई सारे बच्चों को, मजा आया समझ में, ठीक है, ध्यान सुनना, ठीक है। अब देखो, अगर हमारे पास जो बेटा, अगर मैं एक क्रॉस को लूं, एक जो है क्रॉस को लूं, उसके आसपास मेरे को कितने गोले मिलेंगे बेटा, ये जो है चार गोले इस तरीके से मिल रहे होंगे, ध्यान से देखना, ये चार गोले, ठीक है। अब चार गोले उस पर बल लगाएंगे, तो ये चार गोले जो एक समान रूप से उस क्रॉस के ऊपर बल लगाएंगे, तो उसी को बोलेंगे बेटा समान वितरण। क्या बोलेंगे, समान वितरण, किसका, बलों का, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे बलों का समान वितरण होता है किसमें, क्रिस्टली ठोस के अंदर। लेकिन अगर मैं अक्रिस्टली ठोस के बारे में बात करूं, तो अक्रिस्टली ठोस में बेटा एक क्रॉस को अगर दूं, तो इस क्रॉस के ऊपर में एक क्रॉस रहेगा, इसके ऊपर में फिर से, इसके नीचे में क्रॉस, इसके साइड में गोला, इसके साइड में गोला, मतलब हमको यहां पर जो करंट कण, जो अवयवी कण है, इसमें जो अक्रिस्टली ठोस में जो अवयवी कण है व्यवस्थित ही नहीं है, जिसके कारण असमान बलों का वितरण होता है। क्या होता है बेटा, असमान बलों का वितरण होता है। सारे बच्चों को मजा आया होगा, क्लियर है सारे बच्चों को। अब एक और जो है कर लेते हैं, हाँ बच्चे, तो यहां पे अपन जो है एक और क्रिस्टली ठोस का जो है अंतर देख लेते हैं बेटा, ध्यान समझना। इसमें जो कणों का अरेंजमेंट, व्यवस्था जो है निश्चित रहेगी, मतलब उसका गलनांक और कथनांक उच्च होगा, क्या होगा बेटा, उच्च होगा, या फिर निश्चित हो सकता है, क्या होगा, निश्चित होगा। समझ आए सारे बच्चों को, इसमें कण जो है अच्छे तरीके से व्यवस्थित है, व्यवस्थित है सर, तो व्यवस्थित होंगे, तो इसमें जो गर्म करूंगा तो इसके गलनांक और क्वथनांक जो है उच्च होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अक्रिस्टली ठोस की अगर मैं बात करूं, तो ये इसके जो अवयवी कण है वो अंटसंट कुछ भी रखे हुए हैं, क्या है, कुछ भी रखे हुए हैं, तो यहां पे कणों का जो गलनांक और क्वथनांक होगा बेटा वो निश्चित नहीं होगा, बल्कि यहां पे क्या होने वाला है, परास होने वाला है, परास मतलब रेंज होने वाला है, ठीक है। समझ आए सारे बच्चों को। अगर मैं यहां पे एग्जांपल लूं बेटा, सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लूं, क्रिस्टली ठोस के अंदर सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल की बात करो बेटा, ठीक है, ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, एग्जांपल की बात किया, तो एग्जांपल में बच्चे अपन क्या करेंगे, जो सोडियम क्लोराइड रहेगा नमक जिसे मैं बोलूंगा, तो उसको गर्म करूंगा, तो अगर एग्जांपल फॉर नमक जो है 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है पिघल रहा होगा, गर्म हो रहा होगा, तो उसी प्रकार मैं बात करूं बेटा, हमारा जो रबड़ है या फिर कोई प्लास्टिक है बेटा, ठीक है, वो जो 55 डिग्री सेंटीग्रेड निश्चित ताप पर नहीं गर्म होता, नहीं पिघलता, ठीक है, वो उसके लिए एक परास होता है। क्या होता है बेटा, परास, रेंज होता है। क्या, अगर ये रबर है तो वो जो 55 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड में उबल सकता हो, या फिर गर्म हो सकता होगा, या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है, या फिर उससे भी कम हो सकता है, ठीक है। तो ये उनका क्या होता है, रेंज होता है। जैसे आप कपड़े लेने जाते हो, तो कपड़े लेने जाते हो तो वहां पे एक रेंज होता है ना, आप 150 से भैया 200 वाले लोग यहां पे आ जाइए, क्योंकि इनके बीच के जो कपड़े हैं वो यहां पे मिलने वाले स्लॉट पे, तो वैसे यहां पे बेटा रेंज होता है, ठीक है। इसका जो आप लोग लिखने का तरीका यहां पे समझ आया होगा, क्रिस्टली ठोस के अंदर निश्चित ज्यामिति होती है, यहां पे अनिश्चित ज्यामिति होती है, मैं सारे चीज एक्सप्लेनेशन दे दिया बच्चे, ठीक है। अब लिखने के तरीके के ऊपर आते हैं, देखो बलों का जो है असमान, सॉरी समान वितरण होता है, यहां पर बेटा असमान वितरण होता है, किसका, बलों का, क्लियर, मजा आया। अब देखो बेटा, गलनांक और क्वथनांक में निश्चित होती है, क्या बेटा, गलनांक और क्वथनांक में निश्चितता होती है, इसमें बेटा क्रिस्टली ठोस के अंदर, अक्रिस्टली ठोस के अंदर गलनांक और क्वथनांक में अनिश्चितता होती है, अनिश्चित होती है। अगर इसमें बेटा बात करें कि परास होता है, अगर रबर की बात करूं, रबर बेटा 55 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड में उबल रहा होगा, उसी प्रकार बच्चे अगर मैं NaCl की बात करूं, तो 55 डिग्री सेंटीग्रेड में वो उबल जाता है, उसके गलनांक और क्वथनांक 55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सारे बच्चों को क्लियर हुआ, मजा आया, ठीक है, मजा आया बेटा। आप लोग क्या कीजिएगा, ये वीडियो बेटा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है बच्चे। ये क्वेश्चन अपन यहां पे क्यों कर रहे हैं सर, अब इस बात पे आते हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन यहां पे अपन क्यों कर रहे हैं, क्या ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा बेटा ये इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल सकता, पर बच्चे ये आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, ठीक है, ये बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, और ये आपके बेसिक है, ये मैं बोल सकता हूं, ये क्या है बेटा, आपके बेसिक है, ठीक है, ये आपके आधार है। अगर इन चीजों को आप नहीं पढ़ोगे, तो आपकी चीजें समझ नहीं आएगी कि ऐसी चीजें होती है, ठीक है बच्चे। तो ये कब कब आया हुआ है, तो ये सर ये जो है ना बेटा 2009 में आया हुआ है, 2012 में भी बेटा आपके एग्जाम्स के अंदर आए गए हैं, पूछे गए हैं,
ठीक है, तो आपको ये याद रहना चाहिए। इसके और कुछ अंतर है क्या सर? और कुछ तो बिल्कुल अंतर बच्चे, ध्यान से देखिएगा। इसमें से समविदलन का गुण होता है, क्रिस्टलीय ठोस के अंदर समविदलन का गुण होता है और अक्रिस्टलीय ठोस में भी समविदलन का गुण होगा भैया। सिंपल, मजा आया। अब देखो जो समविदलन का जो गुण होता है वो क्या बताता है अपन को? समविदलन का, जब आप फल को काटते हो, एप्पल को काटते हो, एक कहावत सुने हो, एक आधा एप्पल जो होता है वो किसकी तरह दिखता है? तो सिंपल एग्जाम भैया, दिमाग में हम उसको जब बचपन में थे कंफ्यूज आ जाते थे, तो इसका आंसर क्या था? वो आधे एप्पल की तरह दिखेगा। सेम उसी प्रकार से बच्चे, जो एक क्रिस्टलीय ठोस होता है उसको अपन जब काटेंगे तो उसका जो सरफेस होगा कटने के बाद एकदम मक्खन रहेगा। क्या रहेगा? मक्खन, एकदम स्लिम, एकदम कुछ वहां पे खुरदुरा नहीं रहेगा। तो उसी को बोलेंगे बेटा क्या रहेगा? समविदलन का गुण होगा। उसी को मैं बोल दूंगा बेटा अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर उसमें विषमविदलन का गुण होगा। क्या होगा बेटा? विषमविदलन का गुण होने वाला है। सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अक्रिस्टलीय ठोस की अगर मैं बात करूं तो इसको आभासीय ठोस बोला जाता है। क्या बेटा? आभासीय ठोस बोला जाता है। और साथ ही साथ इसको एक और नाम देते हैं, अस्थित द्रव। क्या बोल दिया? अस्थित द्रव। मैं बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं जो है एग्जांपल देता हूं, अगर बच्चे, अगर मैं एक लोहे के टुकड़े को एक लॉकर में रख दूं और 20-25 सालों के बाद देखूं तो वो लोहे का टुकड़ा वैसे की ही वैसे रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा भैया। क्लियर है? उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। लेकिन अगर 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 मैं क्या कर लूंगा बेटा, हमारा जो अक्रिस्टलीय ठोस, अगर मैं कांच की बात कर दिया, किसकी? कांच की बात करते, उस कांच को मैं जो है एक लॉकर के अंदर रख दिया और 20-25-30 सालों के बाद जब मैं उस कांच को देखूं, एक कांच की स्लीट को देखूं, देखो बच्चे ध्यान से, ऐसा सपोज करो कि ये मेरा एक कांच है, बड़ा गंदा ड्राइंग बनता है बच्चे, ठीक है। ड्राइंग पे फोकस नहीं कीजिएगा, कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कीजिएगा, ठीक है। अब देखो, ये जो मेरा एक कांच का स्लॉट है, ठीक है, स्लीट है, सॉरी स्लीट है, इस कांच के स्लीट पे जब इसको मैं लॉकर के अंदर रखूंगा तो लॉकर के अंदर रखने पर कुछ नहीं होगा, लेकिन जब इसको मैं 25-30 साल 35 साल के बाद जब देखूंगा तो ये कांच की जो स्लिट है ना एकदम बराबर रहती है, उसमें जो थोड़ा सा इसमें जो अणु रहते हैं, इसमें जो अणु रहेंगे, ठीक है, ऊपर के जो अणु रहेंगे वो गुरुत्वाकर्षण के कारण बेटा नीचे आने लग जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नीचे आने लग जाएंगे। और नीचे आने से, ठीक है बच्चे, जब नीचे आने लग जाएंगे तो नीचे आने से जो इंजन हाँ, तो बच्चे यहां पे जब नीचे आने लग जाएंगे तो नीचे का जो पोर्शन रहेगा, ये जो नीचे का पोर्शन रहेगा कांच का, वो तो मोटा हो जाएगा एकदम, ठीक है, एकदम इजी है। क्लियर? सारे बच्चों को समझ में आया? तो इसी को बोलेंगे बेटा अस्थित द्रव, ठीक है। यहां पे जो कांच के जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आने लग जाते हैं, और नीचे आने से बेटा कांच का जो नीचे का जो पोर्शन रहता है, नीचे का जो सतह रहता है, वो क्या होता है? मोटा हो जाता है और ऊपर जो है पतला हो जाता है। उसी को बोलेंगे बेटा अस्थित द्रव या फिर आभासीय ठोस बोलते हैं। और जो क्रिस्टलीय ठोस होता है बेटा वो क्या होता है? वास्तविक ठोस होता है। अब विषमदैशिकता की बात कर लेते हैं सर। विषमदैशिकता क्या होती है? विषमदैशिकता की अगर मैं बात करूं बेटा तो इसमें क्या होता है, जो ठोस होते हैं उसको जो भौतिक गुण होते हैं अलग अलग दिशा में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या होता है बेटा? अलग अलग दिशा बदलने पर उसके जो गुणों में परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम विषमदैशिकता बोलेंगे। एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत गजब, आपको समझ आ जाएगा ध्यान से, ठीक है। अगर आप एक ऐसे बच्चे के रूम में चले गए, कक्षा में चले गए, सॉरी कक्षा नहीं बोल सकते, रूम में चले गए, तो रूम में जाने के बाद क्या होता है? एक ऐसे बच्चे जिसका रूम बहुत क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है, अच्छे से व्यवस्थित है, सारी चीजें, कपड़े जहां पर रखने चाहिए वहीं पर है, बुक्स जहां पर रखने चाहिए वहां पर ही है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से बिस्तर बना हुआ है भैया, ठीक है। तो ऐसे रूम में जाओ और उसके सारे कपड़े फैला दो, ठीक है, सारे कपड़े फैला दो, और ऐसे बच्चे के जो है अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ चेंजेस होगी, तो उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाएगी। क्या बदलने पर? उसकी दिशा बदलने पर, ठीक है। लेकिन आप अगर ऐसे बच्चे के रूम में गए जहां वो पहले से ही अव्यवस्थित है, कुछ भी कहीं भी रखा हुआ है, ठीक है, बेड के अंदर बेटा जूता रखा हुआ है, अंदर नहीं बेड के ऊपर, ठीक है, जूता रखा हुआ है, कुछ भी ऐसे खाने के सामान इधर फेंके हुए हैं बेड के अंदर, ठीक है। तो ऐसे बच्चे के रूम में आप जब चले गए तो वहां पे उसको जो है कुछ भी जैसे गंदे स्थान में रख दो, वो उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उसी प्रकार बच्चे यहां पे समझना, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो तो क्या होता है? अव्यवस्थित होता है। अव्यवस्थित होने के कारण क्या होता है बेटा? इसमें अक्रिस्टलीय ठोस में समदैशिकता का गुण होता है। कुछ भी कर लो भैया मैं नहीं बदलेगा। क्या बोलेगा? कुछ भी कर लो मैं नहीं बदलेगा, मतलब समदैशिकता होगी, ठीक है। विषमदैशिकता मतलब अलग, इसका कुछ भी चेंज करने से इसकी जो दिशा में परिवर्तन हो जाएंगी, मतलब इसके गुण में परिवर्तन हो जाएंगे, उसी को बोलेंगे बेटा विषमदैशिकता का गुण होता है। सारे बच्चों को क्लियर हुआ? बहुत गजब तरीके से क्लियर होगा सारे बच्चों को, ठीक है। अब देखो बच्चे, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो दीर्घ परासी होता है, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है, क्लियर है, ठीक है। जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है बेटा वो क्या होता है? लघु परासी होता है, ठीक है। अब देखो इस तरीके से बच्चे, आप लोग पूरे कॉपी के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से बेटा क्या कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, क्या कीजिएगा, नोट्स बनाएगा, क्योंकि नोट्स बेटा आपके लिए है, आपको जो है अच्छे स्थान तक लेके चला जाएगा, ठीक है। आप प्रॉपर तरीके से जब नोट्स बनाओगे तो ये जो है आपके एग्जाम्स के अंदर बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं,
क्लियर है सारे बच्चों को, मजा आया करके, मजा आया ठीक है, फील आया केमिस्ट्री के अंदर, ध्यान से समझिएगा बहुत चीजें मैं यहाँ पे मक्खन कराने वाला हूँ आपकी, ठीक है, आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल्स दूंगा बेटा आपको इजी समझ आएगा सारे एग्जांपल्स, क्लियर है, मजा आएगा बच्चे। अब देखो अगर मैं बात करूं, बेटा हम घन की बात करते हैं, थोड़ा सा अपना टॉपिक बढ़ाते हैं, ठीक है, अब घन की ओर चलते हैं। घन में क्या होता है सर, इसको पढ़े हुए सर अपन बचपन में किए हुए हैं क्या? तो जी बिल्कुल बच्चे आपने ये किया हुआ है, बहुत गजब से किया हुआ है, ठीक है। अब देखो जब घन की बात करूं तो घन को आपको एज्यूम करना है, क्या करना बेटा, एज्यूम इमेजिन कर लो, चलो भैया इमेजिन एकदम सिंपल सा, जिस आप कक्षा में बैठे होगे या फिर जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे होगे बेटा, वो रूम को आप लोग इमेजिन करो, इमेजिनेशन ही साइंस होती है बच्चे, ठीक है, इमेजिनेशन ही साइंस होती है। तो समझ लो ध्यान से कि अगर आप जिस कक्षा में बैठे हो, जिस रूम में बैठे हो, तो आपका एक जो है घन है, ठीक है, एक घन है, एक घन है, क्यूब है, उस क्यूब के अंदर कितने कोने हैं, कोल्टे हैं, ठीक है, कितने कोने हैं, उस कोने को काउंट करो आप, आपको वो गिनने में पता चला होगा बच्चे कि उसके आपके रूम के अंदर 8 कोने होंगे, ठीक है, कितने कोने, 8 कोने होंगे। देखो अगर आप इस रूम के अंदर एक सेंटर में बैठो, यहां पे एक बैठा हुआ है बच्चा, ठीक है, यहां पे बैठने के बाद आपको इस ऊपर की ओर एक कोना दिखेगा, इसके ऊपर की ओर एक कोना दिखेगा, यहां पे एक कोना और यहां पे बेटा एक कोना, ठीक है, तो चार कोने हो गए। अब नीचे की ओर 5, 6, 7, 8 ये हो गया बेटा 8, ठीक है, 8 कोने हमको मिल गए। अब किनारे कितने मिलेंगे सर, किनारे बेटा ये 1, 2, 3, 4 उसी प्रकार 4 हमारे पास मिल सकते हैं, टोटल जो है बेटा 12 किनारे मिलेंगे, क्या बेटा 12 जो है कोर मिलेंगे, किनारे मिलेंगे। अब फलक की संख्या कितनी होगी सर, फलक मतलब दीवार, कितनी दीवार है सर आपको, दीवार 4 दीवारी तो आपको पता ही पता है, आपकी जो है 4 दीवारी, जब आप सेंटर में बैठे हो तो सेंटर में आपके सामने एक दीवार होगी, आपके पीछे एक दीवार होगी, आपके साइड और जो है राइट साइड आपके लेफ्ट साइड में भी दीवार होगी, तो 4 दीवार तो आप काउंट ही कर सकते हो, वही आपके फलक कहलाते हैं, क्या होते हैं बेटा फलक, क्लियर है सारे बच्चों को, मजा आया, ठीक है। अब फलक कहलाते हैं, अब फलक की मैं बात कर दिया बच्चे, तो फलक जो ऊपर जब आप देखोगे जहां पे पंखा लगा होगा आपके, उसको भी अपन बोले दीवार काउंट करेंगे। अब जिस सरफेस पे खड़े होगे उसको भी अपन दीवार काउंट करेंगे, तो हमारे पास टोटल बच्चे 6 जो है फलक आएंगे, कितने होंगे 6 फलक। अब फलक विकर्ण कितने होंगे बच्चे, फलक विकर्ण क्या होता है बेटा, एक जो कोंटा रहता है अपन इसको ऐसा मिला देंगे, ठीक है, इसका कोंटे को ऐसा मिलाएंगे, तो हमारे पास एक फलक का 2 विकर्ण मिला, तो हमारे पास फलक कितने हैं 6 है, तो कितने विकर्ण होंगे, एक फलक में 2 तो कितना होगा 6 × 2 = 12, तो हमारे पास फलक विकर्ण कितने होंगे 12 होंगे। अब घन विकर्ण की बात करूं, घन विकर्ण में क्या होता है बेटा, घन पूरे घन की बात करते हैं, ठीक है, एक विकर्ण की बात करें, पूरा घन की बात कर रहे होंगे, पूरे घन में कितने जो है संख्या होगी बेटा, घन की विकर्णों की संख्या 4 होती है, क्लियर है सारे बच्चों को। अब केंद्र की मैं बात करूं, तो केंद्र मतलब सेंटर, जहां पे आप बैठे होंगे, तो वो सेंटर में कितना, 1 ही तो होगा भैया, सिंपल, क्लियर है, मजा आया, फील किया। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हमारे बेसिक्स से आपको समझना जरूरी था, ठीक है। अब देखो अगर अगर अपन जो है जालक बिंदु की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर इकाई कोष्ठिका और क्रिस्टल जालक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, ठीक है, आपको ये समझना होगा, एकदम काम होकर एकदम शांति से चीजें समझनी होगी, कई बच्चों को ये पता नहीं होता, ठीक है, तो आप ध्यान से समझना बच्चे, ठीक है। अगर मैं बात करूं भैया क्रिस्टल, सॉरी जालक बिंदु की, किसकी, जालक बिंदु की बात करूं, तो लैटिस पॉइंट जिसे अपन बोलते हैं, तो लैटिस पॉइंट वो कहता है जिससे घन का निर्माण होता है, क्या होगा बेटा, जिससे घन का निर्माण होता है वही हमारा लैटिस पॉइंट होता है। दिखाऊंगा, शांति बना के रखिएगा, एकदम अच्छे से ये फील कराऊंगा, ठीक है, अभी फिलहाल डेफिनेशन देख लीजिए, ठीक है। अब जिन सूक्ष्म इकाई से, जिन सूक्ष्म इकाई से एक क्रिस्टल घन का निर्माण होता है सर, वही तो जालक बिंदु होगा, तब जी बिल्कुल बच्चे आप बिल्कुल सही हो, वही क्या होता है बेटा, जालक बिंदु हो रहा होगा, क्लियर। जिस क्रिस्टल जो है, जिस जो है क्रिस्टल के निर्माण में जो छोटे छोटे इकाई यूज होते हैं ना, छोटे छोटे अणु परमाणु आयंस यूज होते हैं, वही हमारे क्या होंगे बेटा, जालक बिंदु होंगे। अब जालक बिंदु बन के जो है बेटा एक क्या करेंगे, एक जो है एकक कोष्ठिका का निर्माण करेंगे, यूनिट सेल का निर्माण करेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल देता हूं, आपको फील आ जाएगा, मजा आ जाएगा, ध्यान समझना बेटा, ठीक है। अगर आप एक घर बना रहे हो, एक घर बना रहे हो, उस घर बनाने में जिन ईंटों का, ईंट, ठीक है बेटा, ईंट ब्रिक्स, जिन ईंटों का यूज हो रहा होगा, तो अगर मानो कि वो ईंट जो है क्या है, आपके जो है जालक बिंदु है, क्या बेटा, जालक बिंदु है, वो छोटे छोटे इकाई जो है वो क्या है, जालक बिंदु। अब पूरे जालक बिंदु जो है एक साथ मिलके, एक ईंट ऊपर, एक ईंट ऊपर, ऐसे बनता ना दीवार, तो एक जो है पूरा बन के भैया एक चार दीवारी तैयार होती है, क्या होती है बेटा, चार दीवारी तैयार होती है। उसी चार दीवारी को अपन क्या बोलते हैं, रूम बोलते हैं, और केमिस्ट्री में बेटा सॉलिड स्टेट के अंदर उसी चार दीवारी को अपन क्या बोल रहे होंगे, एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल बोल रहे होंगे, एक रूम यूनिट सेल बोल रहे होंगे, एकदम सिंपल, मजा आया, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखो इकाई कोशिका को हम डेफिनेशन में अगर लिखें तो क्या होगा, किसी क्रिस्टल के, किसी क्रिस्टल के अणु अणु परमाणु आयनों के क्रमबद्ध रूप से अरेंजमेंट करने पर, क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने पर, जिन एक जिन जो है सूक्ष्म इकाई बनती है,
जो सिक्सतम इकाई बनती है उसी को अपन क्या बोलेंगे बेटा, एकक कोष्ठिका, इकाई कोष्ठिका या फिर एकक कोष्ठिका या फिर यूनिट सेल बोल रहे होंगे, इसी को हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे बच्चा यूनिट सेल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन इसको, यूनिट सेल। सारे बच्चों को क्लियर है, मजा आया इसमें, ठीक है। अब देखो हम जो लास्ट वाले पॉइंट की बात करूं, जालक क्रिस्टल जालक, किसके बात करें, क्रिस्टल जालक, लैटिस, लैटिस स्पेस जिसे बोलते हैं, ठीक है, लैटिस स्पेस की बात करूंगा, तो यहां पे जो है एक छोटे छोटे रूम बन के पूरा घर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बेटा, पूरे घर का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार बेटा मैं जो सॉलिड सॉलिड, ठीक है, अब बात करेंगे बेटा ठोस अवस्था के अंदर अपन क्या करेंगे, जो एकक कोष्ठिका, छोटे छोटे एकक कोष्ठिका मिलके एक जालक का निर्माण करेंगे, एक लैटिस का निर्माण करेंगे, उसी को अपन बात बोलेंगे बेटा क्रिस्टल जालक, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं, ध्यान समझना, जो त्रिविम आकाश में किसी भी क्रिस्टल के एककों की, इसकी यूनिट सेल की, ये इस यूनिट सेल की क्या नियमित व्यवस्था से, नियमित व्यवस्था के एक त्रिविम जालक, एक त्रिविम जालक या फिर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसी को हम क्रिस्टल जालक या फिर त्रिविम जालक कहते हैं। क्लियर सारे बच्चों को, ठीक है, मजा आया होगा। अब देखो ध्यान से, ठीक है, अब देखो अगर 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 अपन को इसको और अच्छे से समझना हो तो ध्यान समझना कि अगर मैं बच्चे मैं एक घन बनाऊं, अगर मैं एक घन बनाऊं तो इस घन के निर्माण में, इस घन के निर्माण में, ठीक है, एक पॉइंट दो तीन चार पांच छ सात ये आठ, ये आठ क्या होते हैं, ऐसे ही घन का निर्माण होता है बच्चा, बिल्कुल सही सर, ऐसे ही तो होता है ना, इतने अच्छे तो अपन नहीं बना दे सर, बिल्कुल आप तो बहुत अच्छा बना दिया, थोड़ी तारीफ कर दिया करो यार, ठीक है। अब देखो, अब ऐसे कह दिया अपन जो है एक घन का निर्माण किया, अब घन का जब निर्माण किए तो यहां पे जो छोटे छोटे ऐसे आपको कुछ गोले दिख रहे होंगे पॉइंट, तो यही जो पॉइंट है बेटा इसी को अपन बोलेंगे क्या, इसी को अपन बोल देंगे, सर हमको पता है आप मत बोलिए, तो आप बोल दो बच्चे कमेंट सेक्शन में बता दो कि इसी को बोलेंगे जालक, जालक बिंदु। क्लियर है सारे बच्चों को, इसको बोलेंगे अपन जालक बिंदु, ठीक है। अब इसी जालक बिंदु से क्या होगा बेटा, एक जो है एकक कोष्ठिका का निर्माण, तो इस पूरे डब्बे को, इस घन को अपन बोलेंगे एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका या फिर एकक कोष्ठिका या फिर बच्चे इसी को बोलेंगे इंग्लिश में यूनिट सेल, इसी को बोलेंगे अपन यूनिट सेल। क्लियर है सारे बच्चों को, मजा आया। अब देखो इस जो है एकक कोष्ठिका है, तो इस एकक कोष्ठिका के ऊपर में एक और आ सकता है, आ सकता है। आप देखो आप घर बनाते हो तो घर में एक ग्राउंड फ्लोर होता है जहां पे आप रहते हो, ठीक है, एक ग्राउंड फ्लोर होता है, उसके ऊपर में अगर आपको एक फ्लोर लगाना है, बनाना है, तो उसके ऊपर का एक फ्लोर होगा, उसके साइड में एक और फ्लोर बनेगा, बना सकते हो ना, एक फ्लोर साइड जो एक फ्लोर बनेगा तो आपके दो फ्लोर हो गए, ठीक है, दो फ्लोर बने। तो उसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि सपोज 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 यहां पे देखिए, थोड़ा सा यहां पे देख लेते हैं। अब देखो आपका घर ऐसा है, सपोज करो आपका घर ऐसा है, आप ऊपर में एक जो है घर बनाए, रूम बनाए, ये एक रूम ऐसा बना, अब इसके साइड में एक और रूम बनाना चाहते हो, ऐसा एक और रूम बन गया, इसके नीचे में भी तो रूम होगा ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक जो जालक का निर्माण होगा, क्या हो बेटा, एक क्रिस्टल, ये एक सिंगल रूम को मैं बोलूंगा एकक कोशिका, पूरे एक रूम बन जाए, पूरा एक घर बन जाएगा, उसको मैं बोल दूंगा क्या बेटा, क्रिस्टल जालक, क्या बोलूंगा, क्रिस्टल जालक। तो सारे बच्चों को क्लियर हुआ, एकदम फील आया होगा क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, ठीक है बच्चे, समझ में आया सारे बच्चों को। अब देखो इसको थोड़ा सा आप एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। अब बात करूं बेटा सम्मिति के आधार पर जो क्रिस्टलों को सात तरीकों से बांटा जा सकता है, कितने, सात समुदायों में बांटा जा सकता है, सात ग्रुप में बांटा जा सकता है। वो सात ग्रुप आपको यहां पे दिख रहे होंगे, सबसे पहले घनीय, चतुष्कोणीय, विषम लंबाक्ष, एक नताक्ष, षटकोणीय, त्रिनताक्ष और बेटा त्रिकोणीय। ये सात ऐसे समुदाय हैं जिसको बेटा सम्मिति के आधार पर जो है बांटा गया है, सम्मिति के आधार पे बोला बेटा, कणों की व्यवस्था के आधार पर नहीं बोला मैं, ठीक है, सम्मिति के आधार पर। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, समझ में आया सारे बच्चों को, क्लियर है, मजा आया। अब देखो ध्यान से, ठीक है, अब वही जो सम्मिति के आधार पे जो बांटा गया कण है ना, उसको ये आपको जो है बुक के अंदर कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा टेबल दिख रहा होगा, लेकिन समझ में किसी को नहीं आ रहा होगा, ठीक है, आपके बुक के अंदर ऐसा एक टेबल दिखेगा, डब्बा दिख रहा होगा, लेकिन समझ में किसी को नहीं आ रहा होगा, गारंटी है मेरी, ठीक है, ध्यान समझना। अगर बच्चे इसको मैं जो है अभी यहां पर एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, क्या करूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, ठीक है, क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि इससे इसको पढ़ने से पहले मेरे को क्या पढ़ना पड़ेगा, एससीसी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एफसीसी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बीसीसी के बारे में पढ़ेगा, लेकिन अपन तो पढ़े ही नहीं है सर, क्या हुआ, लेकिन अपन तो पढ़े ही नहीं है, हम इसके बारे में जानते हैं तो हम इसको कैसे बताएंगे। तो उसी लिए बोल रहा हूं बच्चे, मैं जिस सिक्वेंस में कराऊंगा उसी सिक्वेंस में आपको करते जाना है, ठीक है। तो हम तो पहले सबसे पहले बात करेंगे कणों की व्यवस्था के आधार पर, अरेंजमेंट के हिसाब से कौन कौन से प्रकार होते हैं। बच्चे तो आप लोगों ने क्या किया हुआ है कि भैया आपने जो है बुक के अंदर डायरेक्ट ये देखा होगा कि हम इसको जो है पूरा करने वाले हैं, ठीक है, आपको ये दिखा तो होगा लेकिन समझ में किसी को नहीं आया होगा, मैं समझ सकता हूं आपकी दुख दर्द को,
ठीक है बच्चे। तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले जो है एफसीसी के बारे में जानना है, क्या सॉरी सबसे पहले एससीसी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बेटा एफसीसी डीसीसी के बारे में पढ़ेंगे, तब हमको जो लास्ट में एंटर एंड मतलब अंतः केंद्रित जो है घन के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, इस प्रकार से बच्चे हम जो अपना फ्लो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा बच्चे, ये तो सम्मिति के आधार पर जो है विभाजन था, अब जो है कणों की व्यवस्था के आधार पर एकक कोष्ठिका का विभाजन करूंगा। ध्यान से सुनेगा बच्चे, कितने प्रकार होते हैं कणों की, लिखते हैं अपन, ठीक है, कणों की व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था के आधार पर, कणों की व्यवस्था के आधार पर कितने तरीके होते हैं बच्चे, कितने प्रकार के होते हैं, एकक कोष्ठिका तीन प्रकार के होते हैं। उन तीन प्रकार में सबसे पहला जो होगा बेटा वो जो है एससीसी स्ट्रक्चर होगा, एससीसी जिसे अपन बोलेंगे सिंपल क्यूबिक सेल, क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक सेल सरल घनीय एकक कोष्ठिका। दूसरा जो होता है बेटा, दूसरा जो होता है वो तो बोलते हैं बीसीसी, ठीक है, बीसीसी आई का नहीं बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे, बीसीसी, ठीक है। बीसीसी क्या होता है बेटा, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। सारे बच्चों को क्लियर है। अब जो तीसरा जो होता है बेटा वो क्या होता है, एफसीसी, इसको अच्छे से लिख लेते हैं अपन, एफसीसी क्या होगा बेटा, फेस सेंटर क्यूबिक सेल, ठीक है। इस तरीके से बच्चे हम लोग तीन प्रकार के यहाँ पे जो है कणों की व्यवस्था के आधार पर जो एकक कोशिका के प्रकार करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करूं बेटा, सबसे पहले अपन एकक कोशिका की बात करते हैं, तो सरल एकक कोशिका जिसे अपन बोलेंगे सिंपल क्यूबिक सेल, एकदम सिंपल, मजा आ जाएगा अब करने में, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अगर बच्चे मैं एक जो है क्रिस्टल जालक बनाऊं, में कौन कौन से कण होते हैं बेटा, अवयवी कण जिसे अपन बोलेंगे क्रिस्टल बिंदु, सॉरी इसको अच्छे से बनाते हैं अपन, ठीक है। अब देखो, अब क्या बनेगा, एक जो कण बनेगा, एक घन बनेगा, ये घन बन गया बेटा अपना, इस प्रकार से दूसरा घन बना, ये दूसरा घन बना, इस दूसरे घन के एक एक कोने पर इस प्रकार से कण होते हैं, यहां पे इस कोने पर इस प्रकार से कण होंगे, यहां पे इस कोने पर इस प्रकार से कण होंगे, इस वाले कोने पर इस तरीके से ऐसे कण होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमको कितने कण मिले, आठ ही जो है कण मिले, ये जो छोटे छोटे कण मिल रहे हैं ना बेटा, ये जो कण है इसी को अपन बोलेंगे अवयवी कण, ये हमारे क्या है, अवयवी कण। इसी को अपन क्रिस्टल ठोस के अंदर क्या बोलते हैं, क्रिस्टल ठोस के अंदर जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा लैटिस पॉइंट, क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है, इसी को बोलेंगे लैटिस पॉइंट। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चे, इस क्रिस्टल जालक के निर्माण में कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ सर, बिल्कुल मजा आ गया, तो एकदम इजी है, तो बिल्कुल बहुत इजी बच्चे, ध्यान सुनेगा। इस क्रिस्टल जालक के निर्माण में क्या होता है, आठ अवयवी कणों की नीड होती है, कितने, आठ जो है एक क्रिस्टल बिंदुओं की नीड होती है, मतलब आपको जो है एक पॉइंट यहां पे याद रखना है बेटा कि आपको जो है यहां पे कितने कण मिलेंगे, आठ कण मिलेंगे, कितने बच्चे, आठ कण मिलेंगे, जो कि जो है इसके कोने पर होंगे, कितने, इसके कोने पर होंगे, कोंटे पे रहेंगे, क्लियर, खत्म हो गया, बस इतना ही करना है आपको और कुछ भी नहीं करना है भाई, इतना ही है बस, मजा आया ना। अब देखो, ठीक है, दूसरे की बात करते हैं भैया, अंतःकेंद्री एकक कोष्ठिका, इसकी मैं अगर बात करूं बेटा बॉडी सेंटर यूनिट सेल की बात करूं तो बीसीसी, ये देखो बीसीसी। अब देखो बीसीसी में क्या होता है, नाम में से दिख रहा होगा बच्चे अपन को, बीसीसी मतलब बॉडी के सेंटर में जो है एक यूनिट होगा, बॉडी के सेंटर में एक अवयवी कण मौजूद होगा, तो ध्यान सुनेगा बच्चे। अब देखो, एक अवयवी कण अपन को ऐसा मिला, घन बना रहे अपन, क्या बना रहे बच्चे, घन बना रहे, इस तरीके से ऐसा घन बनेगा, बिल्कुल सर, गजब बना दिया सर आप, तो मजा आ गया ऐसे बनाने में तो, ठीक है। अब देखो, एक घन बना, इस घन में जो क्या है बच्चे, इस घन में अवयवी कण कितने टोटल है, एक एक कोने पर जो है एक एक जो है अवयवी कण है, ठीक है, एक एक कहने के बाद एक एक अवयवी कण, जिसे हम क्रिस्टल बिंदु बोलते हैं, तो आठ बिंदु है, आठ कण है, इसमें टोटल कितने हैं बेटा, कणों की संख्या कितनी है, आठ कण, ठीक है। अब देखो, प्लस क्यों लगाया, इसके पीछे का रीजन है, अब बॉडी सेंटर जब बोला तो बॉडी सेंटर मतलब बॉडी के सेंटर पे एक और कण मौजूद होगा, ठीक है, तो बॉडी के सेंटर पे एक और कण मौजूद होगा, तो टोटल कितने कण मौजूद होंगे बच्चे, यहाँ पे कितने टोटल कण मौजूद होंगे, यहाँ पे जो है टोटल अपन को
मिलेंगे बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल के अंदर। क्लियर है सारे बच्चों को? एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, मजा आएगा बच्चे, एकदम फील होगी केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखो मैं तीसरे की बात करता हूं। तीसरा भैया हमारा तीसरा क्या है? फेस सेंटर क्यूबिक सेल। फेस किसे बोलते हैं बेटा? फलक। अपन को पहले भी फलक के बारे में पता, इसलिए मैं आपको क्यूबिक के बारे में पहले बताया था। समझ आया बच्चे? इसीलिए मैंने आपको पहले घन के बारे में बताया कि घन क्या होता है। ठीक है, रीजन समझ आया पीछे का? ठीक है, अब घन के बारे में सबसे पहले हम फलक की बात करूं तो फलक क्या होता है सर? फलक मतलब दीवार। देखो बच्चे, अपन क्या बना रहे हैं यहाँ पे? गजब तरीके से एकदम क्यूब बनाया है। ठीक है, मजा आ गया। आप बेटा जब एग्जाम में आया ना तो बोलना अपने अपने जो है दोस्त को, बोलना ये भाई ये मैं कर लेता हूँ, आप जाके जाके ड्रीम इलेवन टीम बना लो। ठीक है, ये ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है बच्चे, तो इतना ईजी है ये। अब देखो इसके सारे जो है अवयवी कण जो है एक एक कुंटे पे मौजूद है। ठीक है, अब मौजूद तो है लेकिन फेस पे भी कितने होने चाहिए बेटा? फेस, फेस की बात कर रहा है, फलक की बात कर, तो एक एक फलक कहां बताए? हमारे जो क्यूब के अंदर कितने फलक होते हैं? टोटल 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं टोटल, फेस होते हैं। तो एक एक फेस पे एक एक जो है बेटा कण मौजूद होने चाहिए। बॉडी सेंटर में क्या थे? इसके सेंटर में, बॉडी के सेंटर पे एक कण मौजूद था। अब फलक में कितने? एक एक कण मौजूद होने चाहिए, ध्यान समझिएगा बच्चा। ठीक है, अभी हमारे पास एक फलक पूरा ये है जो येलो कलर का पेंट चल रहा है बेटा, ध्यान से देखना। ठीक है, ये जो है ये हमारा एक फेज है, इस फेज के सेंटर में एक कण आना चाहिए। इसके पीछे एक जो है दीवार आएगी, ये तो आपके सामने वाली दीवार है, उसके पीछे एक और दीवार आएगी तो उसके सेंटर में भी एक कण होना चाहिए, ये दूसरा कण। क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखो ये आपके छत पे, आपके छत में रूफ में एक कण आना चाहिए, और आपके जहां पे खड़े हो जमीन पे वो भी आपका एक कण आना चाहिए, 4 हो गए। अब इसके आइट साइड को जो दीवार है वहां पे भी एक एक कण मौजूद होनी चाहिए इस तरीके से। तो इस प्रकार से बच्चे आपको जो है टोटल, ठीक है, इस प्रकार से बच्चे आपको जो है टोटल जो है आपको 6 जो है अवयवी कण जो है बेटा, सॉरी 6 नहीं, ठीक है, आपको जो बेटा टोटल जो है 6, ठीक है, इस प्रकार से बच्चे आपको जो है टोटल बेटा 6 फलकों पर 6 जो है अवयवी कण जो है मिलेंगे और एक्स्ट्रा। क्लियर है बच्चे? तो हमको टोटल यहां पे अगर बात करूं तो अवयवी कणों की मैं बात करूं, अवयवी कण की बात करूं तो बच्चे टोटल कितने होने वाले हैं? सबसे पहले अवयवी कण की जो है कोंटे में जो मौजूद है उसकी मैं काउंट कर लूं तो 8 जो है कण जो है कोने पर मौजूद है, प्लस बेटा 6 जो है, अरे प्लस क्या हो गया भाई, इक्वल होता है प्लस, हाँ प्लस की बात करूं 6 जो अवयवी कण है बेटा वो अलग अलग फलक पर है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर मैं बात करूं 6 और 8 की बात करूं तो टोटल जो है 14 अवयवी कण मेरे को मिलेंगे। कितने बेटा? 14 जो है अवयवी कण जो है एफसीसी स्ट्रक्चर के अंदर मिल रहे होंगे। तो इसी को बेटा अपने शब्दों में पीरो के मस्त तरीके से आपको लिखना है एग्जाम के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, बहुत गजब तरीके से है। ठीक है, ये आपको जो है एग्जाम्स के अंदर लिखना होगा। क्लियर है सारे बच्चों को? मजा आया? ये फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका क्या होती है समझ आया सारे बच्चों को? ठीक है, इसको अगर किसी बच्चों को बेटा ये आपको अगर नोट्स चाहिए रहेगा तो आप जो है जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये पीडीएफ के फॉर्मेट में जो है नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको जो है अच्छे तरीके से जो है बेटा लिखना हो, मेरे जो है आपके नोट्स चाहिए, मेरे हाथ के लिखे हुए, मेरे हैंड रिटन नोट्स, वो आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस प्रकार से बच्चे हम आज के पूरे चैप्टर के अंदर ये पढ़े हुए हैं कि जो है, ठीक है, इस प्रकार से अपने चैप्टर के अंदर पूरा का पूरा अपन पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, एससीसी बीसीसी जो है और एफसीसी के बारे में पढ़ा हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, ठीक है, आपके लिए बहुत इजी हुआ, बहुत मजे तरीके से अपने यहाँ पे डिलीवर किया। ठीक है, तो अभी का लेक्चर बेटा हम यहीं पर खत्म करें, और जाते जाते बेटा मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो बच्चे यहाँ पे नए होंगे जिसको पढ़ने में मजा आया होगा, ठीक है, जिनको जो है ये वीडियो जो है हेल्पफुल होगा, तो आप क्या कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक बेटा इस चैनल को लिंक को जो है शेयर कीजिएगा। ठीक है, आपकी अंदर जो परेशानी होगी, जो दिक्कत आ रही होगी केमिस्ट्री के अंदर, वो क्या कीजिएगा बेटा, आप लोग कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि आपको किस टॉपिक के अंदर दिक्कत आ रही है, हम उसी टॉपिक के अंदर वीडियो बनाएंगे बच्चे। ठीक है, तो बच्चे हम यहीं पे जो है अपना वीडियो यहां पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।